दोस्तों, मैं प्रीति आपको सुनाती हूँ रिश्तों की डोर से बंधी वो कहानियाँ जो आपको मिलवाती हैं खुद से, अपने अपनों से। हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी सात फेरे। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। काश सब कुछ ऐसा ही होता, बारात, बाराती और सात फेरे। ऐसे कई सपने सिर्फ मैं ही नहीं हर लड़की देखती है। हाँ, लेकिन हमें मिलता वही है जो हमारी किस्मत में होता है। मुझे भी तो वही मिला। गीत, क्या कर रही हो? चाय ला रही हो या मैं जाऊं? ला रही हूं। गौरव, आप हर काम में इतनी जल्दी क्यों करते हो? मेरे भी तो दो ही हाथ है ना, घर में और भी लोग हैं। चाय से लेकर खाना बनाने तक की ड्यूटी सिर्फ मेरी ही है क्या? अरे तो घर का ही काम है ना, अब माँ करेंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? गौरव, आप हर बात में मुझे ही समझाने की कोशिश मत करा करो। तुम्हारा तो अब ये सब रोज का हो गया है गीत, देख लो, तुम्हें करना हो तो ठीक है और नहीं करना हो तो भी ठीक है। मैं जा रहा हूं। नहा नना, कुछ कहे बगैर चुपचाप आंखों में आंसू लिए गीत पलंग पर बैठ गई। अभी शादी के 2 साल ही तो हुए हैं हमारी। पिछले कुछ दिनों में गौरव में काफी चेंज आया है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। 1 साल तक तो उसने ऐसे जताया जैसे मैं ही उसकी दुनिया हूं, और अब उस दुनिया में मैं ही नहीं हूं। पहले दिन भर की छोटी छोटी बातें जब मैं उसे बताती थी तो वो मुझे सुनते थे, समझाते थे, कम से कम किसी का पक्ष तो नहीं लेते थे। लेकिन अब तो मेरा बोलना भी उसे पसंद नहीं। सिर्फ एक ही बात है, गीत तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों नहीं किया। तो क्या अब मेरी जिंदगी सिर्फ इन्हीं सवालों के साथ बीतेगी? आज गीत एक के बाद एक खुद से सवाल किए जा रही थी, और करे भी क्यों ना। आज दिन की शुरुआत ने गीत के मन में कई सवाल उठाए थे और शायद उनके जवाब उसे मालूम थे, लेकिन वो सिर्फ खुद को समझा रही थी। आज उसे फिर याद आया कि कई ऐसी बातें थी जो शादी के पहले गौरव को उसे बता देनी थी, लेकिन उसने नहीं बताई। ये भी नहीं सोचा कि अगर शादी के बाद मुझे ये सब बातें पता चलेंगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। उसके बाद भी इन सभी बातों को लेकर मैंने उससे कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। सात फेरों का फर्ज पिछले 2 साल से सिर्फ मैं ही निभा रही हूं। क्या सात फेरों का फर्ज सिर्फ मुझे ही निभाना है? क्या ये मेरा घर नहीं है? अब मैं इस घर की बहू नहीं हूं, सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूं। दिन भर इन्हीं सवालों और काम के बीच कब गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। शाम को जरा पलंग पर लेटी तो फिर यादों से आंखें भर आई। मैंने शादी को लेकर क्या क्या सपने देखे थे। सपने पूरे होना तो दूर, आज तो जो सच मेरे सामने है वो इतना कड़वा है कि मुझसे पिया ही नहीं जा रहा है। गौरव को अब मेरे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, उसे तो सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है, उनके सिवाय उसे कोई और दिखाई ही नहीं देता। मुझे तो लगता है मैं उस परिवार का हिस्सा भी नहीं हूं। अब मेरा काम घर में सिर्फ झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना और रात में पति की सेवा करना, बस इतना ही रह गया। फिर चाहे मैं बीमार ही क्यों ना रहूं। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। समय इतनी तेजी से निकल गया कि पता ही नहीं चला।
आज एक बार फिर शादियों के सीजन में घर के सामने से एक बारात गुजरते देखी। बारात को देख मेरे मन में खुशी कम लेकिन दुख ज्यादा था। मुझे आज अपनी शादी का वो दिन याद आ गया जब मेरे घर के आंगन में भी बारात आई थी। आज मेरा मन बहुत रो रहा था क्योंकि जो दिख रहा था वो आधी हकीकत थी और पूरा सच जो बीत रहा था मुझ पर वो सिर्फ मुझे ही पता था। शायद जिंदगी इसी का नाम है। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।